नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी दिनों से कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे, जिनमें वो जानना चाह रहे थे कि सर, ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि जो हाउसिंग सेक्टर है, इसमें बिल्डर्स की तरफ से या जो ब्रोशर या जो विज्ञापन पेपर में आते रहते हैं, उनमें तरह तरह के भवनों की कैटेगरी लिखी रहती है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। किसी में लिखा रहता है कि रो हाउसिंग बनाए गए हैं बिल्डर द्वारा और यहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध है, किसी में रहता है कि डिटैच्ड भवन बने हुए हैं, किसी में लिखा रहता है इंडिपेंडेंट भवन बने हुए हैं, किसी में सेमी डिटैच्ड भवन बने हुए हैं, कोई ग्रुप हाउसिंग का विज्ञापन आता है। तो जो आम यूजर है, जिसको इन तकनीकी शब्दों की जानकारी नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि रो हाउसेस क्या होते हैं, सेमी डिटैच्ड हाउसेस क्या होते हैं, डिटैच्ड हाउसेस क्या होते हैं और ग्रुप हाउसेस या ग्रुप हाउसिंग क्या हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं रो हाउसेस से। दोस्तों, रो हाउसेस वो हाउसेस हैं, एक सेंटेंस की डेफिनेशन में कवर करें, रो ऑफ सिमिलर हाउसेस कनेक्टेड बाय कॉमन बोथ साइड वॉल्स, मतलब पंक्तिबद्ध बने हुए वो मकान जो देखने में एक जैसे लगते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी दोनों तरफ की साइड वॉल अपने बगल के मकान से कनेक्टेड होती है, मतलब बगल का मकान और उनका अपने मकान की जो साइड वॉल है वो कॉमन होती है। तो वो हाउसेस जो साइड कॉमन वॉल्स के साथ बनाए जाते हैं, वो रो हाउसेस की परिभाषा में रखे गए। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, सेमी डिटैच्ड हाउसेस की। दोस्तों, इसको भी हम अगर परिभाषा में बात करें तो ये सेमी डिटैच्ड हाउस इज ए हाउस दैट शेयर्स वन कॉमन वॉल विद द नेक्स्ट हाउस। मतलब क्या हुआ कि ऐसे पंक्तिबद्ध मकान जिनकी बीच की कॉमन वॉल दो मकानों की एक ही है और अदर साइड जो आउटर साइड है उधर सेटबैक छोड़ा गया है, उसके बाद आने वाले मकानों का सेटबैक भी उसी तरफ है, फिर नेक्स्ट जो रो है उनकी दो मकानों की कॉमन साइड वॉल एक है, इस तरह इसको परिभाषित किया गया है। मतलब उसमें एक साइड सेटबैक है सभी मकानों में और दूसरी साइड उन मकानों की साइड की वॉल कॉमन है दो दो मकानों की। अब बात करते हैं डिटैच्ड हाउस की, इसको परिभाषा के रूप में बात करते हैं। ए डिटैच्ड हाउस इज ए स्टैंड अलोन हाउस दैट डज नॉट शेयर आउटसाइड वॉल्स विद अनदर हाउस। जैसा कि इसके नाम से भी आप जान सकते हैं, डिटैच का मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से स्वतंत्र, मतलब प्रत्येक मकान चाहे वो भले ही पंक्तिबद्ध बने हुए हैं, लेकिन प्रत्येक मकान अपनी बाउंड्री वॉल अलग रखता है और उसके अंदर जो निर्माण किया गया है वो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से दूर हटके, मतलब उस प्लॉट के बीच में बना है, किसी भी तरह से वो कोई भी वॉल अपनी किसी अन्य मकान से शेयर नहीं करता है और यहाँ तक कि वो बाउंड्री वॉल भी किसी दूसरे मकान से शेयर नहीं करता। दोनों की बाउंड्री वॉल अलग, दोनों के चारों तरफ सेटबैक अलग और इंडिपेंडेंटली बने हुए मकान इस श्रेणी में रखे गए। दोस्तों, अगली कैटेगरी है ग्रुप हाउसिंग की। तो बात करते हैं ग्रुप हाउसिंग मकान कौन से होते हैं। इसकी परिभाषा के रूप में अगर बात करें तो ग्रुप हाउसिंग इज ए बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड विद वन और मोर फ्लोर्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन ड्वेलिंग यूनिट्स एंड हैविंग कॉमन सर्विस फैसिलिटीज लाइक स्टेयरकेस, कॉरिडोर्स, एंट्रेंस लॉबी, लिफ्ट, सर्कुलेशन एरिया, पाथवेज एटसेट्रा। अर्थात ग्रुप हाउसिंग वो भवन या भवनों का समूह है जहाँ पर एक से अधिक तलों पर भवनों का आवासीय यूनिटों का निर्माण किया गया है तथा प्रत्येक तल पर एक से अधिक आवासीय यूनिट बनाए गए हैं और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए जो कॉमन फैसिलिटीज हैं, जैसे कि लिफ्ट है, स्टेयरकेस है, सर्कुलेशन एरिया है, एंट्रेंस लॉबी है, ये सब समान रूप से प्रयोग किए जाने का अधिकार समस्त निवासियों को प्राप्त है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके पास फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।